दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजदेव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा यावर। दोस्तों आज हम अपनी यायावरी को छोड़कर अलग विषय पर बात कर रहे हैं और ये विषय है कि एक किडनी पेशेंट का डाइट क्या होना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भाई मैं भी एक किडनी पेशेंट हूँ और जब मैं डॉक्टर से दिखला नहीं पाया था, जब बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाया था, तो मन में बहुत बात आती थी कि खाना क्या चाहिए, क्योंकि दर्द बहुत बढ़ता है और क्रिएटिन बढ़ जाने की संभावना रहती है, साथ ही प्रोटीन लीक हो जाने की संभावना होती है। तो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, अंत में पहुँचे संजय गांधी PG हॉस्पिटल जो है लखनऊ का, वहाँ गए और वहाँ हमें एक डाइट चार्ट दिया गया, बताया गया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी बार खाना है, ये सारे विषय हमको बताया गया। वहाँ से हमने इलाज कराया, वहाँ डाइट को चार्ट को हमने फॉलो करना शुरू किया। वहाँ से फिर हम चले गए वेल्लोर, क्योंकि वेल्लोर मेरा इलाज चल रहा था और वेल्लोर के डॉक्टरों ने भी जो डाइट चार्ट दिया वो सेम टू सेम वही है जो संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का जो है, PG हॉस्पिटल लखनऊ का है। उन्होंने कहा संजय गांधी का जो डाइट चार्ट है वो उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम आपसे वो डाइट चार्ट साझा कर रहे हैं, साथ में दिखा रहे हैं कि हमारी क्या समस्या थी और हम किस तरह से इसको रिकूप कर रहे हैं, किस तरह से हम अभी तक स्वस्थ हैं, बहुत हद तक हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जबकि डॉक्टरों ने हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत बहुत क्रिटिकल बताया। वो हमारा बायोप्सी करने वाले थे किडनी का, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि मेरा किडनी बहुत पतला हो गया है और इस लायक नहीं है कि उसमें बायोप्सी की जा सके। डॉक्टर ने मेरा सारा पैसा वापस कर दिया था वेलोर में। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे हमारे चैनल को आप लाइक नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें, हम इसके लिए नहीं बोल रहे आपसे, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आपसे आग्रह है कि इसको मैक्सिमम आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वैसे लोग जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे किसी भी कारण से और किडनी के पेशेंट हैं, उनको सुविधा हो सके। हॉस्पिटल है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ का है, वहाँ हमने अपना इलाज कराया। ये देखिए राजदेव पांडे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये इस तरह से हमें उन लोगों ने दवाइयाँ लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हम आते हैं, ये देखिए उन लोगों ने रिपोर्ट्स कुछ तैयार किए थे और रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद अंत में ये देखिए इन लोगों ने डाइट चार्ट दिया हुआ है, डाइट चार्ट दिया हुआ है और यहाँ से शुरुआत की गई है। हम आपको सीधे सीधे बताना चाहेंगे कि क्या कम यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है। ये लिख रहा है कम नमक लें, अगर ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है तो 1/2 टीस्पून, मतलब 3 ग्राम से ज़्यादा नमक लेने की सलाह नहीं दी गई है। कम तेल का प्रयोग करें, ये 10 से 15 ग्राम या 3 चाय चम्मच के बराबर ये दिन भर में आपको लेना है। एक दिन में एक फल, या तो अमरूद या पपीता, पपीता भी पका जो है वो 2 फांक ले सकते हैं, छोटा सेब या नाशपाती या संतरा ले सकते हैं। लिख रहा है पानी केवल उतना ही लें जितना बताया गया है। डायबिटीज मरीज माल उतार करके चावल का प्रयोग करें, मीठी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। अब थोड़ी सी बात बता दें पानी के बारे में, तो पानी के लिए आपको डॉक्टर से टेस्ट कराना पड़ेगा तभी आप पानी की मात्रा निर्धारित हो पाएगी। अब आगे आते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये जरा हमसे गौर कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये लिख रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परमिटेड टू रीनल पेशेंट्स। ठीक है, क्या क्या इसमें फल खाने हैं क्या नहीं खाने हैं, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है फल, अगर 5 इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ लिख रहा है यदि पोटेशियम की मात्रा, देखिए पोटेशियम 5 से ज़्यादा है तब फल नहीं खाएं, किसी भी हाल में 5 से ज़्यादा होने पर फल आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो हमारा चूंकि 5 से ज़्यादा था इसलिए मैं सब फल उस समय मना कर दिया गया था, लेकिन जिसका 5 से कम है वो सेब, पपीता, संतरा, अमरूद, नाशपाती, जामुन और केला खा सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज हो तो आपको केला नहीं खाना है। सब्जी में तरोई, तरोई का मतलब हो गया जिसे हम नैनुआ झिंगी कहते हैं, लौकी, लौकी यहाँ हम लोग झारखंड बिहार में इसको कद्दू भी कहते हैं, कद्दू इसको कहते हैं, कोहड़ा को ये लोग कद्दू कहते हैं, परवल, टिंडा, भिंडी, मेथी पत्ती भी खा सकते हैं, या मेथी पत्ती हमारा कटा हुआ था क्योंकि उस समय हमारा 5 से ज़्यादा था ये पोटेशियम, इसीलिए
और हरा मटर भी और खीरा भी लेने की सलाह दी गई थी हमें कि अगर आपका 5 से कम हो जाए तो ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं। दालें जो खा सकते हैं, देखिए दाल के बारे में कहा है, ये मूंग धुली हुई है, फिर से देख लीजिए, धुली मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, लेकिन सब धुला हुआ भाई साहब, और राजमा सोयाबीन भी हम लोग खा सकते हैं, ये देखिए राजमा और सोयाबीन भी खा सकते हैं दाल में। और सीरियल जो अलाउड है वो है ब्रेड स्लाइस, दलिया, रोटी, ये देखिए रोटी, साबूदाना, खीर, साबूदाना खीर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जो भी, उपमा, उपमा, पोहा, सूजी का हलवा, ठीक है, शुगर फ्री लेकिन कर रहा है, और बेसन का चिल्ला हमारे लिए मना था क्योंकि प्रोटीन में ही मेरा उस समय बढ़ा हुआ था, प्रोटीन में लीक हो रहा था। अब आते हैं जो हमें खाना नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाई साहब, इसको जरूर ध्यान दें, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा नहीं खानी, पालक तो बिल्कुल नहीं खाना, बथुआ नहीं खाना, चौलाई नहीं खाना, हरा धनिया भी नहीं खाना भाई साहब, मूली, नारियल पानी, बेकरी के पदार्थ में स्पष्ट कर दिया, केक, पेस्ट्री, पेटीज, बिस्कुट, अच्छा बेकिंग सोडा नहीं लेना है, इनो नहीं लेना है, देखिए इनो साफ तौर से मना किया है कि इनो नहीं लेना है, सॉल्ट, अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, मेवा, नमकीन मक्खन, कैन फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव हो इस नहीं खाना, अजीनोमीटो एकदम नहीं खाना, पॉपकॉर्न नहीं खाना, चिप्स, ऑर्गन मीट जैसे गुर्दा, लीवर, ब्रेन, ये देखिए ब्रेन यहाँ पर है, ये सब चीज़ें नहीं खानी, गाजर, चुकंदर, आलू भी मना किया था क्योंकि जो चीज़ें जमीन के नीचे बैठती हैं उस पोटेशियम की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, गाजर, चुकंदर, शलगम, करेला भी नहीं खाना, बीज और दालें जैसे चना ये नहीं खाना, बाजरा नहीं खाना, सहजन यानी कि जिसे मुनगा कहते हैं, सूटी इसको कहते हैं, नहीं खाना, कमल ककड़ी नहीं खाना, सेम, लोबिया, तरबूज, गोभी, बैंगन, ग्वार की फली, कटहल, सब्जी के सूप, गुड़ भी नहीं खाना भाई साहब, फलों का रस नहीं पीना, खट्टे फल जैसे मौसमी का, आंवला का, नारंगी का, कच्चा आम का, कच्चा पपीता नहीं खाना, बेल नहीं खाना, लीची, मूंगफली, सूखा मेवा, चॉकलेट, काफ़ी, और ये नारियल पानी, मशरूम, आम, नींबू, आड़ू, चीकू, अनार, पीच, शरीफा, गन्ने का रस और हरा केला नहीं खाना। देखिए हमें साफ तौर से कह दिया था कि फ्रूट जूस और आलू नहीं खाना है। अब देखिए इधर में स्पष्ट एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि किसकी मात्रा कितनी है ना, तो ये देखिए ये किसकी मात्रा कितनी है, इसमें साहब एक अंडा बराबर है 70 किलो कैलोरी है, पनीर 25 ग्राम का 70 किलो कैलोरी है, मीट मछली का 30 ग्राम का 70 किलो कैलोरी है, सेब का इतना है, संतरे का देखिए 80 है, पपीता 1/3 का 80 है, अमरूद छोटे का 80 किलो कैलोरी है। अब इसमें चले जाते हैं, ये इसमें हमें बताया गया था, ये यूरिन के लिए बताया गया था कि यूरिन अगर हो जाए तो 24 घंटे का यूरिन जो है वो लेना था, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी जांच कराने के लिए ये छोटा सा लिखा हुआ था। अब ये देखिए रोटी का भी दिया हुआ है, एक रोटी का, दो रोटी का इतना है, 40 ग्राम आटा का है, लगभग 6 ग्राम प्रोटीन है, तो 6 ग्राम प्रोटीन का और 4 ग्राम प्रोटीन का ये दिया हुआ है, हमने आपको दिखा दिया, इसमें एक बार जरूर ध्यान रख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। तो भाई साहब यहाँ उसके बाद में हमने जो दिखलाया CMC में, CMC का ये है रिपोर्ट, देखिए CMC का, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का है, और यहाँ ये मेरा नाम लिखा हुआ है ना, राजदेव पांडे, जैसे देखिए देख रहे हैं आप, और नीचे जो है ये देखिए हमें लिखते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज हम हैं और नॉट एनेबल टू एमेनेबल टू रीनल बायोप्सी, बायोप्सी के लिए हम लाइक नहीं हो पाए क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी के कारण मेरा जो ये था किडनी था वो बहुत सिकुड़ गया था, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा UTI का हम बहुत पेशेंट रहे, ये हिस्ट्री यहाँ समूचा लिखा हुआ है। और अंत में जो हम दिखलाना चाहते हैं वो ये है, देखिए ये तो ये रिपोर्ट्स हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं मेरे, ये रिपोर्ट्स हैं, डिस्कशन में देखिए क्या क्या किया है, जो भाई साहब इसको जरूर आप मान लीजिएगा, क्या जो ये डॉक्टर ने जो लिखा हुआ है, कुछ दवाइयाँ एकदम नेग्लेक्टेड हैं, आपको नहीं खाना है, डिक्लोफिलेंस नहीं खाना, और एसेक्लोर, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम कुछ देर के लिए रखे हुए हैं इसको मोबाइल पे अपने, ताकि आप आराम से ये इसको रख लें, यहाँ लिखा है मैनेड
ऑफ दीज ड्रग्स मे बी प्रेजेंट इन टैबलेट्स कॉन्टेंट्स पैरासीटामोल से। पैरासीटामोल में भी कुछ चीज़ें ये सब देखिए सब हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप पैरासीटामोल भी जब खाइए तो प्लेन पैरासीटामोल खाना है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पैरासीटामोल भी तभी खाना है, देख रहे हैं किडनी सेफ पेन किलर्स ये इसमें नाम दे रहा है, और पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का है और पैरासीटामोल और प्लेन ही खाना है इसको। दूसरी बात, अदर मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड इन टैब, ये लिख रहा है ट्रामाडोल 25 मिलीग्राम, इसके अलावा कोई दवाई आपको भाई साहब नहीं खानी है। रिकमेंडेशन देखिए यहाँ पर लिख लिया है, ये यहाँ पर देखिए कर दिया है यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं सो, और जो हमारा डाइट चार्ट वही किया गया है। अब एक और बात आती है भाई साहब, वो आती है कि क्या हम लोगों को आयुर्वेदिक दवाई खानी चाहिए। तो भाई एकदम देखिए, हमने वहाँ पर जो वेलोर में एक है श्री, देखिए श्री नारायणी हॉस्पिटल सेंटर है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये भारतवर्ष के सबसे टॉप मोस्ट जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उनमें से एक है, ठीक है, ये वेलोर में ही है। और यहाँ पर जो डॉक्टर बैठती है वो एक MD होती है, यहाँ पर देखिए हमने दिखलाया है उनको, ठीक है, ये राजदेव पंडित, ये देखिए आयुर्वेदा डॉक्टर जे जननी MD, ठीक है, ये MD होती है, और हमने इनको दिखाया, पूरी फीस दी, ये देखिए 300 रुपये का फीस वहाँ पर मात्र है, तो 300 रुपये फीस दे करके हमने दिखलाया, और दिखलाने के बाद में उन्होंने जो है इतनी दवाइयाँ हमें वो ये रिकमेंड की, ठीक, ये देखिए दवाइयाँ इतनी हैं, इनका साइन नीचे है, ठीक है। अब आते हैं, हमने इन सारे दवाइयों खरीदा, ये देखिए चिट्टा है, ठीक है, ये देखिए चिट्टा है, ये 600 कुछ रुपये 619 रुपये का था, ठीक है, ये 3 महीने की दवाई हमें उन लोगों ने दी थी। लेकिन यहीं पर लेकिन की शुरुआत हो जाती है भाई साहब, कि जब हमने इन सारे दवाइयों को खरीदने के बाद CMC वेलोर में पूछा कि क्या इस दवाई को हम खा सकते हैं, CMC वेलोर ने सीधे तौर पर कहा, इसे आप अपने रिस्क पे खाइए, किसी भी हाल में हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको टमाटर आलू ऐसी चीज़ें नहीं खानी तो फिर ऐसी दवाइयाँ जो यहाँ लिखी हुई हैं इनमें से कौन दवाई पर क्या असर करेगी किडनी पर कोई नहीं जानता, क्योंकि इन पर शोध नहीं हुआ है, इसलिए हमने सारी दवाइयों को खरीद कर रख लिया, इसको नहीं खाते। आपसे भी आग्रह है कि आप बगैर डॉक्टर से पूछे किसी भी दवाई को मत खाइए। तो भाई साहब देखा आपने कि हमने कितनी परेशानियां झेली और कैसे हमें डॉक्टर्स ने एक एक्यूरेट डाइट दी है। आप सबों से एक बार फिर से आग्रह है कि इसे अधिकाधिक संख्या में अधिकाधिक इसको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। वैसे लोग जो इलाज नहीं करा पा रहे अपने घर में बैठ करके इस वीडियो को देख करके अपने डाइट को वो फॉलो करें और ज़्यादा उनको जो है मैक्सिमम लाभ मिल सके, ये पुण्य का काम है और हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।